जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो। हाँ जी, जय भोले जी। जय भोले जी की प्रभु, जय भोले जी की। बोल रहे हैं तो कल आया है अमरनाथ जी बाबा के पास जाने के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो कोरोना वायरस के चलते तो आज हम ऑनलाइन देख रहे थे 15 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा। बिल्कुल जी। तो क्या तो बोल रहे हैं कि आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा या 3 अप्रैल लॉकडाउन 3 अप्रैल होगा? हाँ, अभी ये है कि श्राइन बोर्ड की तरफ से अभी कोई भी नई गाइडलाइन नहीं आई है, तो आप ये मान के चलिए कि 15 तारीख से ही होगा। अभी तो अभी जैसे हमने भी चेक किया, आगे भी हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यू श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे, जैसे ही कुछ चेंज होगा या अपडेट होगा, जो भी कुछ चेंज होगा आगे होने का पीछे होने का या गाइडलाइन क्या आती है, हम फटाफट उस पर वीडियो बना के आपसे शेयर कर लेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं जी, हम बोल रहे हैं कि हमारा तो कोलकाता में पड़ता, मैंने वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हाँ जी, हुगली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो हम बोल रहे थे कि यदि हम आज ऑनलाइन यदि हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आज हो सकता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? नहीं प्रभु जी, 15 तारीख का डेट है, 15 तारीख के बाद ही होगा। 15 तारीख के बाद होगा। बोल रहे हैं कि आप बैंक से दरिया हम बैंक से जाके करवा सकते हैं क्या? इस तरह का लॉकडाउन खोलने के बाद? बिल्कुल सही। आप कौन सी डेट पे यात्रा पे जाना चाहते हैं? हम फर्स्ट डेट में जाना चाहते हैं, 23 जून के अंदर में। बिल्कुल सही। तो प्रभु जी, जो लोग फर्स्ट डेट पे यात्रा पे जाना चाहते हैं, मतलब इस डेट के बीच में, उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आपका बैंक में नहीं होगा, उनको ऑनलाइन ही करना है। अच्छा। हाँ, मतलब कि 23 जून से लेके ना 5 जुलाई तक जो लोग यात्रा पे जाना चाहते हैं, उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो ऑनलाइन करें या ग्रुप रजिस्ट्रेशन करें। कितने लोग जाने चाहते हैं, आज जा रहे हैं आप यात्रा पे? हम लोग तो है 8 जन है हम लोग। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं बाबा जी की यात्रा पे? हाँ, बाबा जी की यात्रा में पहली बार जा रहे हैं। लेकिन हम लोग का मेडिकल हो गया है, कोरोना वायरस से पहले ही हम लोग का मेडिकल हो गया था। फरवरी का बहुत तरीका हो गया। आप एक काम कीजिए, अभी आप वेट कर लीजिए कल तक का ना, कल तक कोई गाइडलाइन आनी होगी तो आ जाएंगे हम वीडियो। आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास? मेरा यही नंबर व्हाट्सएप पे है, आप इस पे एक मैसेज कर दीजिए, जैसे ही कोई अपडेशन आएगा ना मैं फटाफट आपको भेज दूंगा, नहीं होगा तो फिर आपका ऑनलाइन अपना आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक मोबाइल से कितना, मैंने चार आदमी का एक मोबाइल नंबर से 4 आदमी का रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं। अच्छा बाबा जी, आप कहाँ रहते हैं बाबा जी, आपसे दर्शन करना होगा? अच्छा, दर्शन बाबा जी के दर्शन, मैं इतना बड़ा बाबा नहीं हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, आपसे मुलाकात होगा? दिल्ली में रहता हूँ। बाकी हम लोग भी यात्रा में फर्स्ट में जा रहे हैं, तो अगर बाबा जी की इच्छा रही तो हम यात्रा में आपको जरूर मिलेंगे वहीं पे। अब वो तो बात, जैसे सपोज करो कोरोना वायरस खत्म हो जाता है और यात्रा की डेट आनी शुरू हो जाती है, तो फिर हम आपस में बात करके जहाँ भी सही रहेगा रास्ते में मिलना जुलना हो ही जाएगा प्रभु की कृपा से, है ना? अच्छा, ठीक है जी। बोल रहे थे कि इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, कोरोना लॉकडाउन उठ भी जाता है तो हम लोग का क्या यात्रा हो सकता है ना? देखिए सर, लॉकडाउन अगर खत्म हो जाता तो यात्रा तो 100% होगा, लेकिन जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं थोड़ा सा उसकी वजह से चिंता हो गई है हमें भी, और हम भी सभी लोगों से जिनसे भी बात कर रहे हैं फोन के ऊपर, उन सभी को यही कह रहे हैं कि अपने घर में रहिए, जब ही यात्रा हो पाएगी, है ना, हम अपने घर में रहेंगे शांति से, सब कुछ ठीक रहेगा, केस आने खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी ऐसी है जो अपने आप नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं है ना, एक दूसरे से फैल रही है, तो जब तक हिंदुस्तान में ये बीमारी रहेगी तो सारी यात्राएं बंद रहेंगी, सारे मंदिर बंद हैं आज की डेट में, है ना, सारी यात्राएं बंद हैं। तो इसलिए मैं वही कह रहा हूँ कि कोरोना 2 हफ्ते में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ज्यादा मेरा आइडिया है, अगर केसेस कम भी होने शुरू हो गए ना, जैसे डे बाई डे बढ़ रहे हैं, 600 हो गए थे, 800 हो गए, अब कल के 1000 केस आए एक दिन में, तो कम होने शुरू हो जाएंगे तो यात्रा पक्का होगी, आप ये मान के चलिए, अभी टाइम काफी है यात्रा में। हम तो जानते हैं यात्रा तो होगी, हम तो इतना बाबा में भरोसा रखते हैं कि होगी। बस जी, तो फिर भी हम कल तो देखे हैं तो 9,335 था, कीर्तन था, आप तो आज तो कुछ देखे नहीं है, भोले जी की आशीर्वाद से देखे क्या होता है। बस 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 जी, हमारा भी चिंता यही है कि जिस दिन से केस कम होने शुरू हो जाएंगे या स्टेबल भी हो जाएंगे, जैसे 100-200 पर डे के आ रहे हैं या कभी 20 केस आ रहे हैं, तो ये यात्रा खोल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में कैसे यात्रा खोल पाएंगे, आप खुद ही सोचिए, बड़ा मुश्किल है सभी के लिए, प्रशासन के लिए भी, सभी के लिए बड़ा मुश्किल है ना।
तो अच्छी बात यह है कि हम खुद भी और औरों को भी बाहर जाने के लिए मना करें। हमारे देखिए देश के प्रधानमंत्री सबके आगे हाथ जोड़ जोड़ के मना कर रहे हैं ना, सब लोग लगे हुए हैं बेचारे। तो हमारा भी यही मानना है कि हम सब लोग घरों में रहें और अपना शांति से रहें और औरों की मदद करें, जिनकी मदद करने लायक है, नहीं है तो अपने घर में रहें, जब ही यात्रा हो पाएगी। ठीक है प्रभु जी। अच्छा तो बोल रहे हैं प्रभु जी, तो हम बोल रहे हैं कि जरिए ऑनलाइन कल माने कल हम आपको कॉल कर सकते हैं क्या, कल तो देख सकते हैं आप। देखिए आप व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है आपका, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। हाँ? मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे पास कोई भी, मैं फटाफट वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि क्या परेशानी है। क्योंकि फोन बिजी भी रहता है कई बार ना, काफी फोन आते हैं तो बिजी भी रहता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन की, तो अभी तो ऑनलाइन कैसी इन्फॉर्मेशन कोई है नहीं, तो शाइन बोर्ड जैसे ही अपडेट करेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है प्रभु जी। अच्छा ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए, बाकी आपका जो मेरा बात हुआ से मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो बाकी लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है प्रभु जी। अच्छा ठीक है जी, जय भोले जी की, जय भोले जी। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।